अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है फ्राइडे और अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। दोपहर का टाइम है, घर की मैंने थोड़ी सी सफाई वगैरह सेटिंग वगैरह की थी, हेल्पर अभी नहीं आई तो मैंने खुद से थोड़ी सी सेटिंग कर ली। तो जो है ना, अभी मैं थोड़ी सी फ्री हुई थी तो मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट कर लिया। तो सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। तो अभी ना थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइव भी अपलोड किया है, तो उसी के रिलेटेड ये क्लिप्स मैंने अपने व्लॉग में भी डाल दिए, ताकि जिसने मेरा लाइव नहीं देखा वो व्लॉग में देख के उनको पता चल जाए कि ये सामने ये जो पड़े हुए हैं गिफ्ट्स वगैरह, ये इनकी क्या कहानी है। अच्छा, ये ना फिलज़ा के बर्थडे गिफ्ट्स हैं जो बहुत टाइम से ये पड़े हुए थे, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा इनको ओपन करना। तो आज ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ मैंने इनको ओपन किया है। तो अभी ये क्लिप मैं सिर्फ व्लॉग में मैंने डाला है, ताकि जिन्होंने मेरा लाइव नहीं देखा वो भी जाकर मेरा लाइव देख लें। मैंने और फिलज़ा ने हमने जो गिफ्ट्स रहते थे इसके बर्थडे के, जो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहते, जहन में ही नहीं रहा था, और आज मैंने जैसे इसकी कबर्ड सेट की तो मुझे नज़र आए, तो हमने आज इनको जो है ना अनबॉक्स किया है। तो लाइव वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। फिलज़ा ने आज जी खुद अपने गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग की है। फिलज़ा ने जी गिफ्ट्स अपने ओपन कर लिए थे। तो ये प्यारा सा टेडी बियर उसको जो है ना गिफ्ट्स में मिला है, तो ये अब उनके साथ खेल रही है। बहुत हैप्पी है फिलज़ा जो है ना आज, क्योंकि उसको नए नए आज टॉयज़ और नई नई चीज़ें आज मिली थी, तो आज तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा हैप्पी है। टेडी बियर तो मेरी बेटी के फेवरेट हैं, तो जहाँ से भी घर से उसको टेडी बियर्स नज़र आए हैं ना, तो उसने जाकर सारी टेडी बियर की फैमिली को यहाँ पर जमा कर लिया है, और अब जी वो पूरा दिन इनके साथ इंजॉय करेगी। वैसे ना टेडी बियर्स मेरे भी बहुत फेवरेट हुआ करते थे और मुझे भी बहुत पसंद थे, अभी भी वैसे मुझे बहुत पसंद हैं। छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से हाउस होल्ड की चीज़ें थी, ये भी फिलज़ा को गिफ्ट्स में मिले हैं, और फिलज़ा अब इनके साथ जो है वो खेल रही है, फुल बिजी है। तो इसमें एक ये प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी वॉशिंग मशीन है, और फिलज़ा जो है ना अब कपड़े वॉश कर रही है जी, इसके अंदर डाल के अपना रुमाल इसके साथ बहुत ही प्यारा सा एक प्यारी सी एक जो है ना सेविंग मशीन है। और बच्चियों को तो पता है इस तरह की चीज़ें बहुत ही क्यूट लगती हैं, और होती भी बड़ी प्यारी है ना, क्यूट क्यूट। साथ में एक वैक्यूम क्लीनर भी बहुत ज़्यादा है, बहुत क्यूट है। और इसके साथ था एक छोटी सी आयरन है, तो यहाँ पर बेटी आयरन कर रही है, लोगों को आयरन कर रही है यहाँ पर जी मेरी बेटी अब। तो बहुत प्यारे गिफ्ट्स हैं। दोपहर का टाइम गुजर गया और अभी हो रही है मगरिब तो नहीं अभी हुई, खैर इस टाइम 6 बजे हैं, और इस टाइम गैस आती है। तो अभी जो मैं बनाने लगी थी डिनर, क्योंकि दोपहर के टाइम हमने लंच नहीं किया था, बस थोड़ी बहुत फ्रूटिंग कर ली, और इसके बाद क्योंकि मैं बिज़ी थी थोड़ा वीडियो में और उसकी एडिटिंग में लाइव वगैरह में, तो मैं फिर लंच का वो नहीं कर सकी। तो अभी मैं जो है ना खाना वगैरह बना रही हूँ, तो आज सब्ज़ी में मैंने बनाने हैं, हम लोग बना रहे हैं आज करेले की सब्ज़ी। तो अभी मैं करेलों को भून रही हूँ। हम लोग तो इस मेथड से ही करेले बनाते हैं, पहले इनको भून लेते हैं, फिर करेलों को निकाल के अलग से बर्तन में रख लेना है, और फिर बाकी जो प्याज और टमाटर और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डालकर अच्छे से भून कर मसाले वगैरह डाल लेने हैं, और जब वो अच्छे से भून जाए फिर करेलों को भी उसके अंदर शामिल करके, और बस डन। ये इस तरह से हम लोग करेले बनाते हैं, और आप लोग इस तरह से बनाते हैं वो भी बताइएगा। और यहाँ पर मैंने जी टोमेटोज़ और अनियन जो है उनको काट लिया हुआ है, और आज ना टोमेटोज़ पील ऑफ नहीं किए, क्योंकि मैंने खुद नहीं काटे, मेरी हेल्पर थी उनसे मैंने कटवा लिए, तो उन्होंने बगैर पील ऑफ किए वैसे ही काट दिए। तो अब मुझे ऐसे ही डालने पड़ेंगे, वैसे ना टोमेटोज़ पील ऑफ करके डालने चाहिए। इसके साथ ये जी प्याज हैं, ये भी काट लिए हैं, ये भी उन्होंने मुझे काट दिए थे। तो प्याज ना मुझे बहुत ज़्यादा तादाद में पसंद होते हैं, भिंडी के सालन में भी, और ये जो सब्ज़ी है ना करेले की सब्ज़ी, इसमें भी मुझे ज़्यादा से प्याज बहुत पसंद है। और जी हरी मिर्च को भी मैंने यहाँ पे वॉश करके रख लिया है, इसको भी डालूँगी जी। तो करेले मेरे भुन चुके हैं, इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और साथ ही कढ़ाई में मैंने जो है ना प्याज डाल दिए हैं। अब मैं प्याज़ों को थोड़ा सा टाइम दूँगी, और प्याज डाल एक मिनट के बाद जो है वो मैं इसके अंदर टोमेटोज़ और बाकी की चीज़ें डालूंगी, और इस तरह से मेरी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। अच्छा, तो गाइस मेरा सालन जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो अभी हमारा जो है डिनर जो है वो तकरीबन डिनर का टाइम होने वाला है। तो अभी सालन मेरा रेडी हो गया है, तो इसके बाद अब थोड़ा सा मैं फिलज़ा को टाइम दूँगी।
यहाँ पर जिसे फिलज़ा की राइटिंग प्रैक्टिस का टाइम हो गया था, तो अभी मैं यहाँ पर उसको राइटिंग प्रैक्टिस करवा रही हूँ। मैंने उसकी ना अभी स्टार्ट ही करवाई है राइटिंग प्रैक्टिस, तो अभी वो बहुत शौक़ से माशाल्लाह से राइटिंग करती है और फुल इंजॉय करती है अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को। तो अभी मैंने ना ABC अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया है उसको राइटिंग करवाना। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा छोटा सा व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, तो मेरी लाइव वीडियो देखना मत भूलिएगा। आज तो व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।